मध्य प्रदेश की शिवपुरी में मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देशन में पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि राजनीतिक और प्रशासनिक संस्थाओं के साथ साथ प्रदेश की जनता खुली जमीन पर पेड़ लगाकर पर्यावरण को बचाने की भूमिका निभा रही है। वहीं दूसरी ओर पेड़ों की सुरक्षा करने वाला विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहा है। शिवपुरी जिले के वन क्षेत्र में आज भी जंगल अपनी बर्बादी बयां कर रहे हैं, पेड़ भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। दरअसल सतनाबाद रेंज के धमकन पवा बीत क्षेत्र और नरवर रेंज के भीमपुर बीत के जंगलों में अवैध खंडा बोल्डर और रेत का कारोबार कर वन माफिया अपनी आजीविका चला रहे हैं। जब डिप्टी रेंजर कमल किशोर से इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें बाइट देने का अधिकार नहीं है। जब सतनाबाद के डिप्टी रेंजर सुनील सेन से पूछा गया तो वे भड़क गए और पुलिस बुलाकर पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की धमकी दी। शिवपुरी से कमर खान की रिपोर्ट। क्या करना है आपको, करो करो, ले आओ, बुलाओ बुलाओ उसको, अंडर को डाल दो, बुलाओ जो पत्रकार घेरने के लिए आए, बुलाओ बुलाओ, मैं बुला रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ लायकी से, मैं लायकी से, मुझे धमकी दे खाने आयो, इतना रखो 50 लोग घेरने के लिए आए।